यहाँ आप एक बैनर देख सकते हैं मेरे ठीक ऊपर, जिस पे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। जो स्थानीय एसोसिएशंस हैं, टूरिस्ट एसोसिएशंस हैं, होटल वालों की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने पर। तो इसके बारे में यहाँ के लोकल लोग क्या सोचते हैं, यहाँ दुकानें जिनकी हैं वो लोग क्या सोचते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीचिनी। हिंदी बोल लेती हैं आप? थोड़ा थोड़ा। ये गाजर वगैरह सब्जी वगैरह बेच रही हैं, ये सब कहाँ उगा है गाजर और सब्जी आप जो बेच रही? मेरी खेती में। कितना दूर है आपका खेत? यहाँ से 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। हाँ हाँ। आपको पता है सरकार ने कोई नया एक फैसला लिया है? बहुत खुश है हम लोग यूटी मिला के। हाँ क्यों खुश है, क्या लगता है कि अब क्या बदल जाएगा? पहले हम लोग जम्मू कश्मीर के नीचे बेचता है ना, अभी तो हम खुद अपने मर्जी हो गया, इस दे अपनी मर्जी चले गया। हाँ आपको लगता है आपके लिए क्या बदलेगा अगर यूटी आ जाए? शीशे मेरा कमा ले है, मेरे को बोल नहीं पाएगा सच में। ज्यादा पता नहीं है कि क्या बदलेगा लेकिन आप खुश? ज्यादा पता नहीं है सर। हाँ ये पता नहीं कि क्या बदलेगा लेकिन खुशी है, सब लोग खुश है आपके आसपास? पूरा लद्दाख वाले खुशी है। उसमें फ़ायदा भी होगा नुकसान भी होगा, दोनों होगा। कैसे? फायदा होगा कि यूनियन टेरेटरी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा है वो मिलेगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो चाहे पब्लिक हो। नुकसान ये है यहाँ का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा आएगा है ना, कॉस्ट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए आने वाले बच्चों के लिए टफ कंपटीशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर दो बॉर्डर होते हैं पाकिस्तान और चाइना का, इसलिए हमारा एरिया भी बहुत बड़ा है, हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। अब हमें ये उम्मीद है कि डायरेक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें फाइनेंस ज़्यादा करेगा और लेजिस्लेटिव देख के इसमें हमें तहफ़ भी अच्छा मिले। आपको बस इस बात की शिकायत है कि फैसला तो अच्छा हुआ है लेकिन लेजिस्लेशन देना चाहिए था, विधानसभा यहाँ देना चाहिए, यहाँ लेजिस्लेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे लीडर हम लोग फैसला कर सके, हमारे ऊपर कोई नहीं सौंप सके। सबसे ज़्यादा हमको ये खदशा यहाँ पर यह है कि ट्रैवल ट्रेड में बाहर से सब लोग आ जाएंगे और यहाँ की आबादी बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है। आपको दिल्ली के जमा ये चांदनी चौक में 2 घंटे में जितने लोग मेट्रो में घूमते हैं उतने यहाँ की आबादी है। अगर पूरे इंडिया से लोग अगर यहाँ बिजनेस करने आ जाएंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं क्योंकि हम ट्रैवल एरिया है, ये पूरा एरिया ट्रैवल एरिया डिक्लेयर होना चाहिए। तो बाकी तो हम जो डिसीजन है उसके साथ बहुत खुश हैं। ठीक से पता भी किसी को नहीं है पर शुरुआत में तो सब लोग वेलकम ही कर रहे हैं। वेलकम करने में क्या है, पब्लिक 10 आएगा तो भला बोलेगा भी तालियां बजाता है, बुरा बोलेगा भी तो तालियां बजाता है, 10 आदमी बजाएगा तो 100 बचा देगा है ना। 10 आदमी तालियां बजाएगा किसी पार्टी का फेवर में बोल रहा है, बाकी भी तालियां बजाएगा, नॉलेज तो है नहीं। जो हमारे यहाँ इस वक्त हमारे चल रहा है ऐसे ही सिस्टम में होना चाहिए, ताकि अगर बाहर से अगर कुछ खलबल जो गए क्योंकि बॉर्डर का इलाका है फिर कश्मीर जैसा ना हो जाए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें यहाँ दूसरे लोग आके मुदाखलत करके जो कश्मीर के हालात ना बन जाए या दूसरे के हमारे, हम तो पैदा होते ही जय हिंद कहते हैं और मरेगा भी जय हिंद कहते हैं। हमारे साथ कुछ सैलानी भी हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहने वाला जो बैनर लगा है उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए वो लोग हमें मिले, आइए इनसे बात करते हैं ये क्या सोचते हैं। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है, मैं साउथ कर्नाटक से आई हूँ, फ्रॉम मैंगलोर। जहाँ तक हमें पता है, हम लोग ने भी सब लद्दाखियों से पूछा है कि आप लोग खुश हो कि नहीं ये सेक्शन हटाने से। वो जो हुआ है कि कश्मीर अलग हुआ है और लद्दाख अलग हुआ है वो लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर इनको अब यूटी स्प्लिट हुआ है तो उनको बहुत सारा इम्पोर्टेंस मिलेगा जो पहले नहीं हो रहा था, तो अभी इनको बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगा सेंटर के तरफ से।